हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल में लॉक लगाते हैं, लॉक लगाने के बाद व्हाट्सएप वगैरह की नोटिफिकेशंस आती हैं तो वो वहाँ पर भारी दिख जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उन नोटिफिकेशंस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं अगर आपको देखने को मिलती हैं आपकी स्क्रीन लगाने के बावजूद भी। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और इस वीडियो को लाइक भी कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा इसका। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, और उन नोटिफिकेशंस जो आती हैं स्क्रीन लॉक लगने के बाद भी हमारे मोबाइल में होती रहती हैं, तो यहाँ पर उसको डिसेबल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा। जस्ट मोबाइल की सेटिंग्स में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, तो यहाँ पर गाइस इसको आपको ये अलाउ रहेगा, इसको डिसेबल कर देना है। जैसे गाइस आप इसको डिसेबल करेंगे उसके बाद जो है आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, और यहाँ पर आपको आपके कोई भी नोटिफिकेशंस में आपकी स्क्रीन लॉक नोटिफिकेशंस में नहीं आएगी। तो यहाँ पर था गाइस इसका ये प्रोसेस। अगर यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स और आती हैं उससे रिलेटेड, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।